हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीप अमर जनरल नॉलेज में। आज हम जानेंगे मशीन्स एट अ वर्क ट्रांसपोर्ट नेम पार्ट थ्री, यानी दो पार्ट हमने ट्रांसपोर्ट के बनाया है तो ये तीसरा पार्ट है। आज हम जानेंगे ऐसे मशीन जो कि काम आते हैं, रोड बनाना हो चाहे जो भी हो। देखिए पहले नंबर पर देखिए दिया हुआ है, व्हेन एवर देयर इज अ फायर द डैश रशेस टू पुट इट आउट, इट कैरीज पावरफुल पंप लॉन्ग हुसेस शूट वाटर एट द फायर। यानी कि जब आग लग जाती है तो इसे बुलाया जाता है और यह इसके बहुत मोटे पंप नली होती है जिससे पानी इतने बहाव से आती है कि फायर तुरंत बुझ जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फायर इंजन। दूसरे नंबर पर देखिए है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड अ बिल्डर्स यूज अ डैश टू मिक्स रॉ मटेरियल्स लाइक ग्रेवर वाटर एंड सैंड क्रिएट अ कॉन्क्रीट। यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ इस बिल्डर्स लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल सीमेंट वमेंट को मिक्स करने के लिए। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीमेंट मिक्सर। तीसरे नंबर पे है देखिए, अ डैश इज यूज टू लिफ्ट लोअर एंड मूव हेवी मटेरियल्स। द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस मशीन इज अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बीम। यानी कि इसका इस्तेमाल लोअर हेवी चीज को मूव यानी चलाने उठाने के लिए किया जाता है और ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। जो उनका बेस्ट पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग, उसकी बीम मजबूत होती है तभी तो वो कुछ चीज़ को उठाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं क्रेन। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या, अ डैश इज अ पावरफुल मशीन यूज्ड इन रोड बिल्डिंग फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ हेवी ब्रॉड स्टील ब्लेड और प्लेट माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ ट्रैक्टर। यानी ये पावरफुल मशीन जो है इसका इस्तेमाल जो होता है बिल्डिंग की फार्मिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये हेवी ब्रॉड इसके जो होते हैं ना, इसके हेवी होता है और ब्रॉड होता है और स्टील का ब्लेड होता है और आगे से ट्रैक्टर की तरफ फ्रंट से लगता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बुलडोजर। लास्ट फिफ्थ नंबर पर देखिए क्या, अ डैश इज़ यूज ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत भारी मात्रा में पानी रखता है मतलब अपने अंदर, और डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज मतलब डिपेंड करता है इसके साइज पे। इट कैन कैरी 11,000 लीटर अबाउट 36,000 यानी 11,000 से लेकर 36,000 तक पानी ये अपने अंदर डिपेंडिंग उनके साइज पे करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाटर टैंक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट करें। तब तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।